भाई साहब मास्क नहीं लगाया आपने, ये देखिए कैमरे को देखकर आप मास्क लगा रहे हैं। भाई साहब नाम क्या आपका? भाई साहब नाम क्या है? और ये देखिए भाई साहब नाम तो बता दीजिए, अरे नाम तो बता दो यार। ये देखो ये कैसे भाग रहे हैं, ये कर्मचारी हैं हरियाणा रोडवेज के। वीडियो को शेयर कर दें, ये हालात है भाई साहब। और लोगों के चलान काटे जाते हैं, ये देखिए ये भागता हुआ शख्स नजर आ रहा है, कर्मचारी है रोडवेज का। आप टीटी हो, मास्क कहाँ है जी? अभी उतर है जी, अभी मास्क कहाँ पर है ये बताओ ना। ये रहा मास्क, आपने मास्क क्यों नहीं डाला? मतलब जनता के लिए मास्क है और आपके लिए नहीं है सर? अभी उतारे हैं, कैमरे को देखकर मास्क। मैं अकेला खड़ा हूँ सर, मैं भीड़ में नहीं हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, अकेला खड़ा हूँ। कौन सी बस है आपकी? बस नहीं है मेरी। ड्राइवर हो आप? मैं कंडक्टर हूँ ना, कंडक्टर हो ना। क्या नाम है? ड्यूटी खत्म करके आया हूँ। क्या नाम क्या है आपका? सुनील नाम है, ड्यूटी खत्म करके आया हूँ। मैं अकेला खड़ा हूँ, भीड़ में नहीं खड़ा हूँ सर मैं। अच्छा, मैं अकेला खड़ा हूँ, अगर मैं भीड़ में जाता हूँ तो मैं मास्क लगा लेता हूँ। आपका फर्ज तो बनता है ना जी, आप मास्क लगा के घूमे। कल डीसी और एसपी साहब आए थे, उन्होंने दौरा किया था। आसपास कोई नहीं है, अभी अकेला हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे मैं भीड़ में जाता हूँ या किसी का पास खड़ा तो मास्क लगा लेता हूँ, अभी मैं अकेला खड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है ना, अभी मैंने उतारा है। ये देखो पूरा बस स्टैंड, पूरा बस स्टैंड आप कह रहे हो यार? मेरी तो सुन लो, जैसे ही आप आए मैंने लगा लिया। अब मैं अकेला खड़ा, कैमरे को देखकर ही लगाओगे सर? कैमरे को देखकर नहीं, आपको आते देखकर। आपका भी चलान होना चाहिए, अगर अकेले में खड़े होने से चलान होता तो कर दो फिर आप। अगर मेरे पास कोई आएगा या मैं भीड़ में जाऊंगा तभी लगाऊंगा ना मैं। बस स्टैंड में तो अलाउड ही नहीं है बिना मास्क के। हाँ जी, बस स्टैंड में तो बिना मास्क के अलाउड ही नहीं है कोई। बस स्टैंड पे अगर भीड़ होगी तभी लगाऊंगा ना। यहाँ आसपास दिख रहा है आपको कोई? आसपास कोई दिख रहा है तो बताओ। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो एंट्री नहीं है, मास्क नहीं बना तो एंट्री नहीं है। हाँ सही कह रहे सर वो, तो आपने पहना नहीं था। एक और आपको पर्सन दिखाते हैं, एक और पर्सन दिखाते हैं हरियाणा रोडवेज के, आप ये देख लीजिए। ये कर्मचारी हैं और बिना मास्क के घूमते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखें भी और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं। भाई साहब मास्क नहीं लगाया आपने, ये देखिए कैमरे को देखकर आप मास्क लगा रहे हैं। भाई साहब नाम क्या आपका? भाई साहब नाम क्या है? और ये देखिए भाई साहब नाम तो बता दीजिए, अरे नाम तो बता दो यार। ये देखो ये कैसे भाग रहे हैं, ये कर्मचारी हैं हरियाणा रोडवेज के। वीडियो को शेयर कर दें, ये हालात है भाई साहब। और लोगों के चलान काटे जाते हैं, ये देखिए ये भागता हुआ शख्स नजर आ रहा है, कर्मचारी है रोडवेज का। लोगों के चलान काट जाते हैं हरियाणा बस स्टैंड में। और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, और जनता के लगातार हमारे पास फोन आते हैं कि हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो साहब मास्क नहीं डालते हैं, तो उनके भी मास्क लगे होने चाहिए। इस वीडियो को देखें भी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं। इस बस के अंदर देखो ये ड्राइवर ने डाला हुआ है, रोडवेज के अंदर हम आ चुके हैं बस स्टैंड के अंदर। खिड़की में एक शख्स टिकट बांट रहा है। मास्क कहाँ है जी? मतलब कैमरे को देखकर मास्क लगाओगे? नहीं अभी पैसे ले होते पैसे क्या? इससे पहले भी मैंने आपको देखा था, मास्क आपने स्टेशन लगाया हुआ, लोगों का चलान कट रहे हैं बस स्टैंड के अंदर, आपने मास्क नहीं लगाया। पैसे क्यों? मतलब कैमरे को देखकर आप मास्क लगाओगे? तो ये देख लीजिए, देख सकते हैं रोडवेज, ये हालात है भाई साहब। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब रोडवेज, हरियाणा रोडवेज पर आप अगर सफ़र करते हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि खुद जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं मास्क नहीं डालते हैं। तो इस वीडियो को देखें भी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। मास्क नहीं डाला अंकल जी, बात कर रहे थे बाबू जी, तो ऐसे ऐसे ना बाबू जी बात इससे कर रहे नहीं जाता। लोगों के चलान कट रहे हैं बस स्टैंड के अंदर बिना मास्क के, और आपने लगाया नहीं। ले रखा जी बाबू जी, इससे बात कर रहे हैं, कैमरे को देखकर आपने लगाया। बात कर रहे थे बाबू जी इससे, कैमरे को देख के बाबू जी से बात कर रहे थे, और कुछ नहीं, मास्क लगा के आ रहे हैं। तो ये हालात हैं हरियाणा रोडवेज के। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, और किस प्रकार से आप ये देख सकती हैं जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं बिना मास्क लगाए घूमते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग भी देख लीजिए, हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। बिना मास्क के कैमरा देखकर मास्क लगाते हैं ये? नीचे उतर गई थी, नहीं डंडी नीचे उतर गई थी, कैमरा देख के नहीं नहीं चलान कट रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं मैं मास्क ला रहा था, ये डंडी उसे नीचे हो गई एकदम, मैं अभी तो ला रहा था। ऊपर से आदेश है, नहीं कैमरा लगा, आदेश है कि कोरोना का टीका नहीं लगवाया, मास्क नहीं, नहीं टीका भी है सारा सब कुछ है। नहीं मेरे ऊपर से ये निकल गई, मैं चादर ओढ़ रहा था ये मतलब निकल गया था। आप देख सकते हैं हाँ जी, मास्क कहाँ पे आपका? हाँ जी, हाँ जी इंक्वायरी जी।
मास्क भाई साहब मास्क नहीं डाला आपने, लोगों के चलान काट रहे हो आप बस स्टैंड के अंदर, आपने मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं डाल रखा भाई साहब आपने। किसने जी? आपने? हाँ कोई, मैंने अभी ऑफिस में आके पानी पिया हाथ धो के आके, और इसलिए उतारा था भाई साहब। कैमरे को देख के मास्क लगा रहे आप तो? कोई बात नहीं सर, वेरी सॉरी, मैं अभी हाथ धो के आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। हाँ जी वीरेंद्र है जी, वीरेंद्र। और ये हालात है भाई साहब, ये आप देख सकते हैं, ये इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी है। वीरेंद्र इन्होंने नाम बताया अपना और किस प्रकार से बिना मास्क के बैठे हुए थे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं। और लगातार लोगों के फ़ोन जरूर आ रहे थे कि जो कर्मचारी हैं खासतौर से हरियाणा रोडवेज़ के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोडवेज़ के कर्मचारी जो ड्राइवर है कंडक्टर हैं, और भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार से बिना मास्क लगाए लोग जो हैं खासतौर से जो कर्मचारी हैं वो घूमते हुए नज़र आते हैं। तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी अवश्य करेंगे। देखिए ये शख्स सीटी बजाता हुआ जरूर नज़र आ रहा है लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। भाई साहब मास्क नहीं डाला आपने, ये व्हीसल मारनी पड़ रही सर। अच्छा अच्छा, व्हीसल पर जानी पड़ रही है ना गाड़ी बैक करवाने पर। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और एक और शख्स हम आपको दिखाते हैं। बीड़ी पी रहे थे इसलिए आप तो दिया। बीड़ी पीने में व्यस्त है भाई साहब। जनता कोई बात चलान, जनता का तो चलान हो रहा है, आपका चलान काटने वाला कोई भी नहीं है। जनता का 500 का चलान होता है, आपका चलान वाला काटने वाला कोई भी नहीं है। सॉरी पता है गाड़ी आगे पीछे चक्कर आ रहा था। क्या नाम है जी आपका? सॉरी भाई साहब, सॉरी नाम बता दो। अरे भाई साहब सॉरी, आई एम सॉरी, मैं खुद ही। बस नंबर क्या है आपका? ओ भाऊ जी कोई बात नहीं। ये हालात है भाई साहब, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं और किस प्रकार से जो कर्मचारी हैं, ये देखिए एक और शख्स। भाई साहब आपका मास्क नहीं है, मास्क आपका दिया नहीं क्या सरकार ने? सरकार ने दिया नहीं क्या? क्या मास्क? मास्क नहीं, अपना मास्क ले रखा वाला। अच्छा कहाँ लगाया तुमने आपने? क्या नाम है? सर नाम क्या है? नाम क्या है भाई साहब? और ये देखिए हालात देख लीजिए, ये हैं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी और किस प्रकार से यहाँ पर नियमों की पालना हो रही है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें और भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। मास्क नहीं लगाया आपने? ये देखिए और मास्क नहीं लगाया भाई साहब आपने, मास्क क्यों नहीं लगाया जी? चलान कट रहे हैं बस स्टैंड के अंदर, लोगों के चलान कट रहे हैं, 500 रुपए लोग दे रहे हैं और आपके मास्क कहां है जी? खड़ा हूं। हां जी खड़ा हूं। तो बिना मास्क तो एंट्री नहीं, आप कैसे आगे फिर बिना मास्क? यहां है ना बस में लगा रखा था सर। मास्क लगाना चाहिए ना जी आपको? अभी यहां कोई नहीं है मेरे आसपास, देखो जी। वो तो बात ठीक है, बस स्टैंड के अंदर तो बिना मास्क के एंट्री ही नहीं है। एसपी और डीसी साहब यहाँ पर दौरा किया था, बस स्टैंड पर आए थे समझाने का प्रयास, अब आपको भी समझाया जाए तो फिर जनता कहाँ जाए? अभी मैंने नंबर भरने आगे, यहाँ पे मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे बस में लगा के घर से आया। मतलब जनता पिसने को है? हाँ जी, कर्मचारी अधिकारियों के लिए कोई वो नहीं है। नहीं हम तो पालन कर रहे हैं, लगाते हैं मास्क। अब आपका चलान कौन काटेगा जी? मेरे पास ये है ना जो गमछा ले रखे मैंने। क्या नाम है सर? आपने तो ये भी नहीं डाला था, ये तो अभी नंबर भर रहे ना मेरा, मुझे जरा देखो आसपास कोई नहीं मेरे। क्या नाम है सर आपका? सुखविंदर सिंह, और ड्यूटी पर देखो ना। आप देख सकते तो ये हालात हैं, जनता के 500 रुपए के चलान काटे जाते हैं लेकिन जो कर्मचारी हैं इनके चलान आखिरकार कौन काटेगा? जवाब आपको देना है। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं, बस स्टैंड के अंदर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस प्रकार से जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो बिना मास्क लगाए घूमते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी देखें कि किस प्रकार से जो पालना हो रही है उनके विधानसभा क्षेत्र में, जो पालना हो रही है जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से पालना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले से तस्वीरें अपडेट आपको देते रहेंगे। हाँ भाई शर्मा बाबा ना लगा दो। क्या कहना चाहोगे जी? ये तो ये हम तो देखो इनको समझा रहे हैं लोगों को बीमारी के बारे में, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते। आपके सामने आप देखो क्या बोल के गए, अभी एक थोड़ी देर पहले बारे को गाड़ी भी दे के गया। अच्छा हाँ, तो ये लोग कुछ मतलब अपने
जवानी के चक्कर में लगा लो या कुछ भी लगा लो, ये सब तुम्हारा बीमारी नहीं लगेगी। तो गाड़ी देने का कौन सा तरीका? ये जी देखो जी, मैंने बोले मास्क लगा लो, मेरे को बोला आप लगा रहे हैं, ये तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन बोलते समय ये नीचे उतर जाता है, तो ये बोल रहा भाई तू ऐसे, वो वहाँ जाके गेट के पास तो मेरे को गाड़ी देके मार गया। तो ये लोगों की सोच है अपनी अपनी। तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया क्या वो सफर नहीं करेंगे रोडवेज में? हाँ जी, उसको मना कर रखा है, जिसका दो वैक्सीन लग रही हो वही रोडवेज में सफर करेगा, और जो वैक्सीन नहीं लगा रखे उसको टिकट नहीं दी जाएगी। एंट्री नहीं है, बिना मास्क की भी कोई एंट्री नहीं है। लेकिन रोडवेज के जितने कर्मचारी हैं टिकट काट रहे हैं, उनको किसी ने मास्क नहीं पहना? हाँ, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराते हैं हम, कल भी कराए थे, परसों भी कराए थे, कल डीसी साहब भी आए थे, डीसी साहब भी पर्चा करके गए थे, और आप भी आप बोल के आए हूँ मैं, अभी जो सब नहीं लगाएगा तो पुलिस वाले को बुला के उसका पर्चा दर्ज करा देते हैं और 500 रुपए का चलान भी करवाते हैं। तो कितना समय आप ड्यूटी देते हैं भाई साहब? हाँ जी, 9 से 5 ड्यूटी देते हैं जी। 9 से 5? हाँ जी। तो ये जी, हाँ जी, ये तो जी हमारा पहनावा है, हमारे बुजुर्ग पहनते थे और इसको लोग अब धीरे धीरे छोड़ने लग गया है, ये ऐसे दिखाना हमारे सुरक्षित करना है भाई, ये हमारा पहनावा है और दोबारा इसको पहना करें। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा राजवीर सिंह है। पुलिस महकमे में क्या है आप? मैं जी रोडवेज से ड्राइवर हूँ जी। रोडवेज से?